जी, मेरा नाम शाहिद मलिक, जो कि आप लोगों के लिए कराची में गैलरी 162 की तरफ से एबोरिजिनल आर्ट लेकर आया हूँ। ये ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल आर्ट जो है, वहाँ के इंडिजिनस जो पीपल हैं, जो वहाँ के कबीले के इलाके के जो पुराने हैं, जो कि तकरीबन 80,000 साल पुराने लोग हैं, जो कि उस ज़मीन से जिनका ताल्लुक़ है, वो अपने दौर में, पुराने ज़मानों में, वो दरख्तों की छाल, पत्थरों और पहाड़ों पर ये चीज़ें ड्रॉ किया करते थे, क्योंकि उनके अपने कोई लैंग्वेज नहीं थी। इस वजह से वो ये सारे आइकॉन्स बना करके अपनी सारी स्टोरीज़ को प्रिजर्व किया करते थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया भर में ये आर्ट बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में इसको हम इसीलिए ले आए कि ताकि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों को बताएं। बहुत से लोग जानते हैं यकीनन इस बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी समझता था। ख़ास तौर पर जब हमने ये आर्ट गैलरी कराची में खोली तो उसका आइडिया यही था कि हम बहुत सारी वो चीज़ें लाएँ जो कि दुनिया के उस कोने में हो रही हैं। एबोरिजिनीज आर्ट जो है वो डिफरेंट कबीलों में बटी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कुछ कबीले जो हैं सिर्फ वो डॉटेड काम करते हैं, जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे आर्ट वर्क में, कुछ लाइन पे काम करते हैं, कुछ इमेजेस पे। तो देर इज़ फ्यू डिफरेंट टाइप्स एंड दे वो सारे के सारे जो हैं वो बिलोंग्स करते हैं डिफरेंट कबीलों से। जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो भी विज़िटर कहीं से भी विज़िट करने आता है तो वो लाजमी एक या दो पेंटिंग ज़रूर लेके जाता है। ये इतनी मशहूर हैं, यानी ये हाईली एक्सपेंसिव भी हैं, मतलब अच्छी खासी महंगी पेंटिंगें होती हैं। हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके जो वहाँ की इनकी जो ओरिजिनल कीमत है उससे भी हम कम पे लेकर आएँ, ताकि यहाँ लोगों को बाय भी कर सकें। इस आर्ट के मुतालिक मज़ीद ये मैं कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड वाइड उन्होंने अप्रूव कराया हुआ है, रूल किया हुआ है कि ये आर्ट कोई और नहीं बना सकता सिवाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पीपल के। चीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आएँ, देखें, समझें क्या चीज़ है दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर एज अ सेड बिफोर कि पाकिस्तान में ज़्यादातर आर्ट मूव जो है वो यूरोप और अमेरिका इस साइड पर होती है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बैक पे है। तो उसी को उजागर करने के लिए हम यहाँ पर ये सारे काम लेकर आए, मज़ीद फ्यूचर में लेते आएँगे। तो आप लोग आइए, प्लीज़ देखें एंड